हाय गाइस, मेरा नाम है तेज और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू टेक वर्ल्ड में। आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि सैमसंग स्मार्ट टीवी के साथ में ब्लूटूथ कीबोर्ड और माउस कैसे कनेक्ट करें। सैमसंग स्मार्ट टीवी USB माउस और कीबोर्ड को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बार बार टीवी के पास जाना पड़ेगा कंट्रोल करने के लिए। ब्लूटूथ कीबोर्ड और माउस से आप दूर से बैठकर भी टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं और टाइप कर सकते हैं। पहले पुराने ज़माने में जब नॉन स्मार्ट टीवी होते थे तो रिमोट में केवल नंबर वाले कीपैड आते थे, क्योंकि उस टाइम में आपको आज की तरह ईमेल आईडी, पासवर्ड और कंटेंट सर्च करने के लिए बहुत कुछ टाइप करना नहीं पड़ता था। मैं आपको दिखाता हूँ कि नॉर्मल टीवी रिमोट से टाइप करना कितना मुश्किल होता है। एग्जांपल के तौर पर इस वेब ब्राउज़र में हम कुछ वेबसाइट खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे कितनी बार माउस को लेफ़्ट राइट करके टाइप करना पड़ेगा। जैसे कि एक वेबसाइट में अगर खोलना चाहता हूँ तो मुझे बहुत कुछ टाइप करना पड़ेगा, तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है और टाइम कंज्यूमिंग है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्लूटूथ कीबोर्ड से आप कितनी आसानी से टाइप कर सकते हैं। तो देखिए, आप आसानी से ब्लूटूथ कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं और माउस की सहायता से आप नए टैब्स खोल सकते हैं और उसमें वेबसाइट में नेविगेट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सैमसंग स्मार्ट टीवी से ब्लूटूथ माउस और कीबोर्ड को कैसे जोड़ें। तो इसके लिए सबसे पहले मैं होम बटन दबाता हूँ रिमोट का, फिर इसमें जाके सेटिंग में चलते हैं हम लोग। सेटिंग में जाके आपको जनरल में जाना पड़ेगा। जनरल टैब में आप देखेंगे नीचे आपको दिखाई देगा एक्सटर्नल डिवाइस मैनेजर, इसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर जाइए इनपुट डिवाइस मैनेजर, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ आपको दिखेगा ब्लूटूथ डिवाइस लिस्ट, इसको सेलेक्ट कीजिए। इस स्क्रीन पर जाकर आप ब्लूटूथ माउस और कीबोर्ड को जोड़ सकते हैं। तो पहले माउस और कीबोर्ड को जोड़ने से पहले उसको हमें पेयरिंग मोड में लाना पड़ेगा। पहले मैं कीबोर्ड को दिखाता हूँ कि कैसे पेयरिंग मोड में जाना है। ये जेब्रोनिक्स का ब्लूटूथ कीबोर्ड है, इसको मैं ऑन करता हूँ। इसमें पेयरिंग मोड में जाने के लिए इस F1 की को थोड़ी देर लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। इसमें फिर ये देखिए ब्लू लाइट लगातार ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब ये पेयरिंग मोड में आ चुका है। अब रिमोट से आप दोबारा से रिफ्रेश करिए लिस्ट को। आप देख सकते हैं यहाँ पे कीबोर्ड अब दिखाई दे रहा है, ब्लूटूथ कीबोर्ड 3.0। इस पर ओके करके आप इसको पेयर करना पड़ेगा। पेयर एंड कनेक्ट इसको सेलेक्ट करिए। अब आपके टीवी पर ये दिखाई दे रहा है, एक पिन कोड दिखाई दे रहा है 99999996। इस पिन कोड को आपको कीबोर्ड से टाइप करके एंटर करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं अपने कीबोर्ड में 99996 टाइप करके और एंटर दबाता हूँ। तो देखिए आपका कीबोर्ड अब कनेक्ट हो गया है। अब इसी तरीके से हम माउस को कनेक्ट करके दिखाते हैं। ये लॉजिटेक का माउस है M590, तो इसको पहले हमें पेयरिंग मोड में लाना पड़ेगा। इसके लिए इस बटन को मुझे थोड़ी देर के लिए लॉन्ग प्रेस दबाना पड़ेगा। जब ये LED लगातार ब्लिंक करने लग जाएगी, इसका मतलब ये माउस अब पेयरिंग मोड में आ गया है। अब इसको आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा टीवी में ब्लूटूथ डिवाइसेस को। अब देख रहे हैं कि माउस का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको सेलेक्ट करके ओके करिए। पेयर एंड कनेक्ट। अब आपका माउस कनेक्ट हो गया है। तो आपके देखिए यहाँ पे दोनों माउस और कीबोर्ड सक्सेसफुली कनेक्ट हो गए हैं। अब इसके बाद में आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं माउस और कीबोर्ड को, जैसे कि वेब ब्राउजर में आप यूज़ कर सकते हैं, माउस से टाइप आप नेविगेट कर सकते हैं। आप ईमेल आईडी और पासवर्ड भी एंटर कर सकते हैं और कंटेंट सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब में जाकर अगर आपको कुछ सर्च करना है तो कीबोर्ड से बहुत ही ईजी है। जैसे कि अब YouTube मैंने खोला हुआ है, यहाँ पे मुझे कोई कंटेंट सर्च करना है तो मैं यहाँ पे इजीली अब सर्च कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आज आपने देखा इस वीडियो में आप Samsung Smart TV के साथ में ब्लूटूथ कीबोर्ड और माउस कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपका अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।